लिए वहां अल्लाह का फजल। अब्दुल रहमान साहब से पूछ लेते, अब्दुल रहमान साहब आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा है हमारे मुआशरे में, हर फर्द ऐसा क्यों है कि अदालती फैसला आने से पहले ही मुजरिम गर्दाना जाता है, जिसको कि जिस पे इल्जाम लगाया जाता है करप्शन का? मैडम उसकी वजह मैं समझता हूँ अदारों पर बद एतमादी भी है, क्योंकि देखें फैसला आना है, लोगों को पहले ही कैसे अंदाजे हो जाते हैं कि ये इसको सजा मिलनी ही मिलनी है, फलाने ने छूट ही जाना है। मैं अर्ज करूंगा कि अब ये करप्शन से भी बहुत बड़ा इल्जाम जो है वो कत्ल का है। अब भुट्टो साहब को फांसी दी गई, आज बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि अदालत का वो फैसला बड़ा गलत था। मैंने खुद इंटरव्यू किया था नसीम हसन शाह साहब का, और मेरे रूबरू मैं उसका चश्म, यानी मेरे से बात करते उन्होंने ये कहा कि भुट्टो को सजाए मौत नहीं बनती थी। मैंने कहा तो फिर आपने क्यों दी? कहने लगे कि वो अदारे का जी अदारे का फौज का दबाव था, तो हमने हम क्या, यानी आप अंदाजा करें ये आलम एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ रहा है वो ये कह रहा है कि मुझ पे दबाव था तो मैंने, यानी दबाव में आपने फांसी दे दी, खुदा का खौफ करो। यानी ये चीज जो है क्या निशानदेही करती है, इस एक नुक्ते से हम समझ सकते हैं। और यहाँ तो हाल ये यहाँ बड़ा बवेला किया जाता है सियासदानों की करप्शन करप्शन, मैं पूछता हूँ कि करप्शन सिर्फ माली नहीं होती, अखलाकी भी करप्शन होती है, नजरियाती भी करप्शन होती है, और ये इससे भाड़के भी कुछ जराइम है। मसलन ये कि इस मुल्क को दो लख्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, क्या किसी ने इस पर कभी गौर किया कि कौन उसका मुल्ज़िम था, उसमें किसने क्या रोल अदा किया था, हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट को किसने छिपा के रखा हुआ है? तो बात यह है कि बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे यहाँ आजादी इजहार जितनी है वो मैडम आप भी माशाल्लाह अच्छी तरह जानते हैं।